चुया भी इस ट्राइपॉड पे चढ़ने की कोशिश करी थी, जैसे ही मुझे आवाज आई कुछ हस जस्ट सो शॉक। हम लखनऊ जा रहे हैं। आप लखनऊ जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो कानपुर जा रहे हैं, लखनऊ से 4 ही घंटा दूर है। 24 घंटे बाद उतरूंगी आज से यहाँ, सब तो मुझे कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर। चलो मैं तो कह रही हूँ प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा हो गया है। और आज हम एक बहुत ही अतरंगा चैलेंज करने वाले हैं। अपने टाइटल से भी देख लिया और आप देख रहे हो मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। अभी 9:08 हो रहे हैं और हमने हमारा चैलेंज शुरू कर दिया है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे लिविंग इन माई किचन फॉर 24 आवर्स करो, लिविंग इन माई किचन फॉर 24 आवर्स करो। तो वो बहुत सारे लोगों ने किया है, हमने इसमें बहुत ज्यादा वियर्डनेस ऐड कर दी है। हम कर रहे हैं लिविंग ऑन माई किचन प्लेटफॉर्म फॉर लेजिट 24 आवर्स। मुझसे एक जगह बैठा नहीं जाता है, मेरे लिए तो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैं आधे घंटे से ज्यादा कहीं पे भी नहीं बैठ सकती हूँ। तो आपको लिटाऊंगी तब मैं यहाँ से सामान ले, आप बता देना मैं आपको सारा सामान दे दूंगी। मम्मी को किचन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मेरे को बड़ा मम्मी ने तो मेरी किचन मिली थी। आप बताओ मैं आपको सब देती हूँ मम्मी, मैं आज्ञाकारी पुत्री हूँ। बात मैं कर लूंगी। माय गॉड, ले लो ले लो डाल लो। मम्मा आज यहाँ डाइनिंग टेबल को छोड़ के यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ताकि हम साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सके। ऐसा लग रहा है ट्रेन में बैठी हुई हूँ। मुझे ये चैलेंज पर्सनली से सुनने में करने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है, बट ना मैंने पास्ट कुछ दिनों में ना एक दो वीडियोस देखी थी जहाँ पे लोग पॉड में रहते हैं। पॉड इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल स्पेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप्सूल। बहुत छोटी जगह होती है, उन लोगों का सारा अपनी गृहस्थी वगैरह सब उसी में रखा होता है। और बहुत सारे सिटीज में लोग जब ये कोविड का पूरा लॉकडाउन वाला सीन चल रहा था तब वो उतने छोटे से पॉड्स में रह रहे थे, हम अपने घरों में रह रहे के पक गए थे। तो नो क्लू वो लोग ऐसे पॉड में कैसे रहे होंगे। मुझे भी मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ और मैं वो पॉड में रहने का एक्सपीरियंस करूँ, कैप्सूल में रहने का एक्सपीरियंस करूँ, बट वो नहीं। तो यही सही, ये भी बेसिकली बहुत छोटी सी जगह है, बहुत टाइनी सा स्पेस है। सो मतलब ऐसा है कि मैं ना मेरे एक वियर्ड चैलेंज को एक थोड़ा वो ज्ञान में थोड़ा देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं बेवकूफ ना लगूं। तो बहुत फ्री है ना मेरा असाइनमेंट लिख, चल चली चली अक्कल ठिकाने है जानवी दुष्ट, अपना कुछ तो काम कर ले। इसको बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखना और ये सबको वैसे कुछ भी इसको रास्ते चलते लोग मिल रहे थे भैया मेरा असाइनमेंट लिखोगे क्या। मम्मी कैमरे पे आने वाली है, मम्मी ने नया सूट पहन रखा है, मस्त लिपस्टिक लगा के मम्मी लंच बनाने जा रही है आज। ऐसे इतना तैयार हो के कौन लंच बनाता है मम्मा? मैंने लिपस्टिक ही तो लगाया। इतना हीरोइन बन के कौन लंच बनाता है? बाल तो मेरे हैं ही अच्छे। मुझे अच्छे से याद है बचपन में मुझे आलू छीलने में बहुत मजा आती थी, मुझे ना से घर घर खेलने में अच्छा लगता था। मेरे को भी तो आलू छीलना आलू छीलना, और मैं हर बार जिद करके आलू छीलती थी। आज भी मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। मुझे डर तो लगता है ना चलते चलते, नीचे देख रहे हो अपन खाना बन रहा है, पता चला मैं वहां ट्रिप ना करता। गाइज मेरी मम्मी पिछले 45-50 मिनट से या तो मेरी बड़ी मम्मी मामी या दादी किसी एक से बात कर रही थी, और ऐसे हम लोग बीच में क्या हो रहा है क्या चल रहा है हम भी मैं जान रही हूँ, हम लोग भी पापा हम सारे बात कर रहे थे। तो कह रही चलो चलो मैं बाद में फ्री होके फ़ोन करती हूँ, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलरेडी ये 45 मिनट बात कर चुकी हैं, अब और कितना फ्री होके ये बात करेंगी। ये है किचन का एंट्री गेट, यहाँ पे गैस रखी हुई, एक्चुअली यहाँ रखी होती है पर मैंने आज इनकी जगह ले रखी है, सॉरी मैडम सॉरी। यहाँ पे टेबल, पहले भाई जी आप अंदर जाइए, भाई साहब आप अंदर जाइए। हाँ यहाँ पे टेबल रखी हुई, इसमें 2 बुक रखी हुई, मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए वैसे। ये तो पता नहीं किसका पाउच है, मैंने खोला ही नहीं आज तक। ये हेयर ब्रश है जिसमें बहुत सारे हेयर हैं, थोड़ी बहुत चिमटी चुमटी हैंड क्रीम, हम मोमबत्ती रखी है एस्थेटिक वगैरह बताने के लिए। भाई जी अंदर रहिए आप। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये है मेन कॉर्नर, यहाँ पे मेरे फोन और मेरे कैमरे की बैटरी ये सारी चीजें चार्ज हो रही है। यहाँ पे 2 पिलोज रखे हुए हैं,
मैं पता है बहुत पीछे जा नहीं सकती हूँ वरना मैं नीचे गिर पड़ूंगी। यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मेरा फोन पड़ा हुआ है, स्क्रंची पड़ी हुई है, एयरपॉड्स पड़े हुए हैं, ये मेरे अनोखी चाय के डब्बे में नाश्ता भर रखा है मम्मी ने, और ये थोड़ा एस्थेटिक सा दिखाने के लिए एक प्लांट रखा हुआ है, ये हमारा लंच है, और पीछे जो आप देख पा रहे हो वो है हमारा वॉश एरिया। दैट वॉज माई लिटिल किचन प्लेटफॉर्म टूर शुरू होते ही खत्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म किचन प्लेटफॉर्म तो इतने ही बड़े होते हैं ना। मेरे पापा अभी आए, उन्होंने देखा मैं आप यहाँ लेटी हुई थी, पगले अब ये क्या नया चैलेंज कर रही है ना, लाइक बेटा आप यहाँ से गिरोगे तो नहीं ना, बस इतना ध्यान रख लेना। इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, गर्मी लग रही है और हमारा जो फैन है ना ये ऐसे 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 हिलता रहता है, तो अब गर्मी हो रही है जो मुझे थोड़ा इरिटेट कर रही है, बट ठीक है। आउच, जानवी ने बोला ही था लगेगा, दो पहली बार लगाया मेरे को और बहुत जोर से नहीं लगा तो चलेगा। ऐसे हमारी कॉफी मशीन यहाँ पे है जिसमें वो कॉफी पाउडर डालते हैं, वो मम्मी ने बताया यहाँ नीचे रखा हुआ है, मम्मी ने बोला ढूंढ लो, मम्मी ने बोला है वहां रखा है ढूंढ लो, मतलब वो हमें नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ मम्मी को ही दिखता है, वो ऐसी कोई चीज है। तो अब पहली बात तो मुझे वैसे ही, जो अगर मम्मी ने बोला है वहां रखा है ढूंढ लो, मतलब वो वैसे ही नहीं मिलने वाला है, ऊपर से वो वहां रखा हुआ है, तो आई हैव नो क्लू कि मैं यहाँ रह के वहां कैसे ढूंढू, बट आई ट्राई। क्या अलग ही तरीके के आसन हुए हैं मुझसे, मैंने कहां से कहां छलांग मारी है। जानवी इज दैट वन फ्रेंड जो पहले खुद प्लान बनाएगी, यार हम इतने टाइम से नहीं मिले हैं, मिलते हैं ना। आज अब जब जाने की बारी आ गई है तो जानवी ने अपने फ्रेंड्स को झूठ बोला है, तो अगर उसके फ्रेंड्स ये लोग देख रहे हैं तो जानवी को बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे आलस आ रहा है। तो जानवी ने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो अपने आप से बच के तो मेरी कॉफी मशीन क्यों टूट रही है? खाली दिमाग थोड़ा डील करना मुश्किल होता है, अंदर कुछ ना हो ना तो थोड़ी होती है मुश्किल। क्या अभी मैं आप हम नहीं समझ पाएगी क्योंकि हमारे अंदर तो है, बाकी फिर आप देख ही लो। कहाँ जा, अब जा रही है तू? तुझे पता है मेरे सोसाइटी से, अब क्योंकि मैंने उसे ब्लॉग में इंक्लूड कर दिया है तो अब वो जा रही है। हम हमारी कॉफी बनाते हैं और मजे लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रू विद गोपाली। आज हम ब्रू करने वाले हैं कॉफी। कॉफी ही तो सिर्फ ब्रू होती है, और भी कुछ होता है क्या? देखो मुझे कॉफी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, मेरा कॉफी का टेस्ट बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो माफ कीजिएगा कॉफी लवर्स और चाय लवर्स और पानी लवर्स और एनी लवर्स, प्लीज हिट लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। इसके बाद में चाय बना के पीऊंगी, कॉफी तो बड़ी मुश्किल, बाबा बड़ी मुश्किल, इस स्लैब पे बैठना बड़ी मुश्किल, मेरी पीठ गई बाबा गई। गाइज हम इस चैलेंज का नाम बदल रहे हैं, दिस इज नॉट लिविंग ऑन माई किचन प्लेटफॉर्म, दिस इज लाइंग डाउन फॉर लेजिट 24 आवर्स, क्योंकि यहाँ बैठना मुश्किल है, यहाँ खड़े तो ऑब्वियसली मैं पूरे टाइम नहीं रह सकती हूँ, ये लेजिट ट्रेन पर उठ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी छोटी सी जगह। गाइज धीमे धीमे सन नीचे जा रहा है और मेरी एनर्जी बढ़ रही है, तो मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है, ये राइम कर गया। वैसे गाइज राइट नाउ इट इज
6:07 हो रही है। दिस इज माई फर्स्ट सुसु ब्रेक। दो मैं ट्राई करूँ कि मैं बहुत सारा पानी पीऊँ, क्योंकि ये देख रहे हो अब ये सब ना, मैं पानी नहीं पीती हूँ इसलिए हो रहा है। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट सुसु ब्रेक। आई एम सो एक्साइटेड, मैं कभी सुसु ब्रेक के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होती हूँ। बट हाँ, मेरे को बस 2 मिनट लगेंगे, वॉशरूम यही है, प्लेटफॉर्म से उतरते ही कुछ दूर चलते ही वॉशरूम आ जाएगा। लेट्स गो। ये तो साउंड्स फनी, ठीक है। हे भगवान, मेरी मम्मी को पूरी धरती पे सिर्फ इस जग की चिंता है। क्योंकि एक तोड़ चुके हो ना। क्या कह रही हो मम्मी? एक तोड़ चुकी है ये, दूसरा भी उसको ही तोड़ने का इरादा है। मैं एक्चुअली, मुझे बहुत मजा आती है, पता है, मतलब मैंने तोड़ा तो खैर गलती से था। मम्मी इस बार तुम तोड़ के देखो, खींच के थप्पड़ मारो। मम्मी आप फिजिकल वॉयलेंस की बातें कर रहे हो इंटरनेट पे, ऐसे थोड़ी चलता है मम्मी। मैं दिखा दूं तुझे? नहीं, तू तोड़ो, तुझे मैं तोड़े नहीं, मैं नहीं, मैंने बचपन में बहुत मार खाई है, मैं इस जग को टच भी नहीं कर रही हूँ। मम्मी लेकिन सच में जानवी वाला चैलेंज करती, जो मैं कहती वो बात मानती, लाइक सेइंग यस टू माय मॉम फॉर 24 आवर्स। ये ऐसा चैलेंज किया जिसमें मुझे परेशान होना पड़ा। इतनी परेशान हूँ मम्मी मैं, इतना मैं भी आपको बहुत टेस्टी सैंडविच बना के खिलाऊंगी, और सारा सामान तो सब मुझे ही देना। So if you guys want to see saying yes to my mom for legit 24 hours, इस वीडियो को 50,000 likes दे दो। अगर 50,000 likes हो जाएंगे तो जिस दिन 50,000 होंगे वो उसी दिन फिल्म कर लूंगी। नहीं, वो हो जाएंगे लाइक, क्योंकि मुझे ये सबसे छुटकारा मिले। तो बस ठीक है, मेरा 50,000 like कर दो इस वीडियो पे, और मैं फट से करती हूँ saying yes to my mom for legit 24 hours। तो बस जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर भी कर दो, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, और हम चाय पीते हैं। मुझे ट्रेन में नहीं, ऐसे आमने सामने वाले लोग दोस्त बन जाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम लखनऊ जा रहे हैं। आप लखनऊ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो कानपुर जा रहे हैं, लखनऊ से 4 ही घंटा दूर है। आप लखनऊ में कौन रहता है? जो मैंने नहीं बनाया हो कभी या बनाया। ओह, लेट्स डू एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। यस, लेट्स डू एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। यस, कुकिंग का सबसे पहला उसूल है अपने ना, ये जो जुल्फे हैं। Guys, you know what? I just have this much of space. उसके अंदर भी हमें aesthetic लगना है, तो कैसे बनाऊँ मैं? काम चला लेंगे इसका, हम एक बार टेस्ट टेस्ट करते हैं। नमक बहुत ज्यादा कम है। नमक शमक। बना बस बन गए, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि गरम गरम बना के खिलाऊं। मम्मी मैंने सारे काम कर लिए, आप सेक लो। क्यों? क्योंकि मैं थक गया, यहाँ बैठ के काम करना बहुत मुश्किल है। पता नींबू कहीं पड़ा, कुछ कहीं पड़ा, ऐसे खाना गोपाली कौन बनाता है यार? धन लो तुम्हारा चैनल। ले खा के देख तू चाय। मैं तो मस्त एवोकाडो चीज ग्रिल्ड सैंडविच खा के आई। हाय हाय, बहुत यम्मी थी। बहुत सारे पैसे देके इतना सा कुछ खाया होगा, ये खा के देख बहुत टेस्टी होगा। तेरे वो एवोकाडो पूड पून चिजिन जून टोस्ट से ही अच्छा है। अच्छा, सो यम्मी। और मैं मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड पे हूं। मैं तो पर मार दूंगी, मैंने गोली मार दी, मैं देखो गोली मार दूं जानू। तू कैमरे पे थप्पड़ खा दियो, अच्छी नहीं लगेगी दीदी। सैंडविच बहुत अच्छी बनी। मैं टू
दिन आप रहोगे कैसे? मुझे तो आज दुख लग रहा है। मुझे तो मजा आ रही है। मेरा फोन, मेरा फोन। नहीं बस बहुत हो गया मम्मी, पर मेरा फोन तो छोड़ दो। मम्मी यहाँ पे रहूंगी बिना फोन के। गरीब पे तरस खाइए। चाय 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 मम्मी कर रही है। चाय चाय चाय। आपका लखनऊ में आने वाला है मैडम? नहीं मैडम अभी तो टाइम नहीं। मैं मेरा तो क्या सुबह उठते ही आ जाएगा। अच्छा तो अभी हम तुम नमस्ते करते हैं। जी 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 चलिए सवेरे मिलते हैं। ठीक है हम तो नहीं मिल पाएंगे आपको सवेरे। हम तो हमारे तो स्टेशन आ जाएंगे, हम उतर जाएंगे। आप जाइए, आपको लखनऊ तक जाना है। गाइस जानवी ने मुझे अमीरो वाला नाइट सूट दे दिया है, तो आज आप मुझे छेद वाली टी शर्ट में नहीं देखेंगे। आज आप मुझे एकदम ऐसे अमीरो वाले नाइट सूट में देखेंगे। लेट्स जस्ट चेंज, वॉश माय फेस और आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। 1 minute 37 seconds later. Another washroom break और मैं भी आ जाती हूँ 2 मिनट में। एंड वॉट इज द टाइम राइट नाउ? अभी हो रही है 10:14। रुको मैं दिखाती हूँ मेरा। हाँ ये देख रहे हो, 10:14 हो रहे हैं अभी। एंड मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से सुसु हो क्या पता है। हमारे किचन के सिंक ना पहली बार फेस वॉश या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हुई होगी, वरना ये कभी कभी नहीं यूज़ होती है ऐसी चीज़ों के लिए। शुट 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 गाइस, मैंने ना अभी एक छोटी सी, मैं ना यहाँ ऐसे ऐसे आराम से लेटी हुई थी और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कुछ मूव कर रहा है। एंड जैसे हमने पिक किया था छोटी चिड़िया जाग रही है क्या यहाँ? ना एक मिनट देख, यहाँ ट्राइपॉड रखे हुए ना, इस ट्राइपॉड के सहारे सहारे ऊपर चढ़ रही थी। Enjoy. यार मैं इसलिए तुझे नहीं बुला कि तू एंजॉय बोल के निकल जाए। इट्स 12:30 और लाइट बंद कर सो जा। अगर लाइट बंद से जाएगी तो थप्पड़ मारूंगी, लाइट तो मैं बंद ही नहीं करूंगी। हेलो गाइस, सवा दो हो रहे हैं, मच्छर एक्चुअली थोड़े से। मैं सोच रही हूँ बेड पे जाके सो जाऊं। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इट इज़ 10:00। मैं बहुत ज़्यादा लेट सो के उठी हूँ क्योंकि कल रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं 2:30 बजे तक इधर उधर थोड़ा सो रही हूँ, थोड़ा उठ रही हूँ और फिर थोड़ी ढंग से नींद आई, फिर थोड़े बहुत मच्छर भी काट रहे थे और सोते भी नहीं बन रहा था वापस ढंग से। तो आई गेस मैं 5:30 बजे के करीब नींद में कब उठ के मेरे बेड पर आ गई हूँ मुझे भी इतना ढंग से याद नहीं है, बट हाँ मैं फिर मेरे बेड पर आ गई थी। बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पाँव सीधा ज़मीन पर रख के कुछ कहने को नहीं, मतलब मुझे नींद में भी ये वाला तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे करके जब मैंने बालकनी चैलेंज किया था ना, तो मुझे ये हल्के हल्के से पेन होने लग गए थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, बट इस वाले चैलेंज में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि मैं आई गेस बाहर आके सो गई थी इसलिए। बट या आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वियर्ड चैलेंज, एंड इफ यू डिड सो लाइक जरूर कर देना, वो वाला अपना गोल याद है ना। एंड या कॉमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ अतरंगी लगी और क्या आप ऐसा देखना चाहोगे। आई एम गोना मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय and thank you so much for all your love and support. I'm always grateful to you guys. Ta-ta! I'm just so happy. Itna mast acha lag raha hai mujhe. Okay, bye!